इस कड़ाके की ठंड में किसान मर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई चिंता नहीं। उनको चिंता है तो बस अपने सांसद और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बोलने वाले लोगों का। जी हाँ, कंगना के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन्नी देओल को वाई प्लस सुरक्षा मिल गई है। हाल ही में सन्नी देओल ने किसानों के खिलाफ, सिख भाइयों के खिलाफ, सरदारों के खिलाफ बयान दिया था। सन्नी देओल ने कहा था कि किसान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सन्नी देओल से, क्या आपके पापा को भी गुमराह किया गया है? क्योंकि उन्होंने तो बोला है कि किसानों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, वो किसानों के साथ हैं, सरकार किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करे। खैर, आपको लगना ही था ऐसा, क्योंकि आप बस सन्नी देओल नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और बीजेपी के खिलाफ कुछ भी होता है या कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो आप लोग यही बोलते हैं कि प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया गया है। शाहीन बाग को लेकर बीजेपी ने यही कहा था, जामिया को लेकर, जेएनयू को लेकर, जो भी आपसे सवाल किया है आप लोगों ने आतंकी बोला है या गुमराह किया गया है ये बोला है। सर मानी चाहिए, बार बार एक ही चीज का रट लगा रहे हैं आप लोग। आप सन्नी देओल अपने रजाई कंबल से सो के ट्वीट करते हैं और किसान इस कड़ाके के ठंड में दिल्ली की सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ाई करते हुए लावारिस की तरह पड़ा है। आपकी सरकार बात मानना तो दूर, उन पर लाठियां बरसा रही है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनल इस ठंड में उन पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आप बस पिक्चर के हीरो तो नहीं, क्योंकि असल जिंदगी में आज आप किसानों की नजर में विलन बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सद्दाम करीमी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि देश, दुनिया और बहुजनों से जुड़ी खबर मिस ना करें। नमस्कार।